खड़े रहेंगे, मेले बाबू ने थाना थाया किचन सर्विस में, है ना, जो अपना जो पर्पस है, मेन पर्पस है लोगों को खुश रखने का। और हमारे यहाँ मेरे एक तरफ में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और दूसरी तरफ में हैगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, MTH। और यहाँ पे आसपास में जो हैगा बेसिकली क्या है कि यहाँ आसपास कहीं भी खाने का कुछ मिलता नहीं, और मेरा जो इंटेंशन है लोगों को खुश रखना है। यहाँ पे पास में नए नए बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ पे पास पास में डिवोर्स हो जाता है, हाँ, तो ये जो मेरा इंटेंशन ये है कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने से लेकर के बाबू तक और जहाँ मरते हैं तब तक बाबू जी तक, सभी को बाबू ही हम संबोधित करते हैं। तो मेरा जो इंटेंशन है मेले बाबू ने थाना थाया वो ऐसा है लोगों को खुश रखने का है। और मेरे यहाँ जो भी कोई आता है तो कुछ भी खा के जाता है तो एकदम मेरा तारीफ करके जाता है, मैं टेस्ट और क्वालिटी को लेके चलता हूँ। कैसे दिमाग में आया था इस तरह से? दिमाग में तो सर ऐसा है कि लॉकडाउन के टाइम से ही मेरे दिमाग में था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये बस हर कोई यूज़ करता था, मेले बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो उसका इंटेंशन मेरे टाइम पे बहुत टाइम से था। और उस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कि बस लोगों को हर टाइम बस परेशानी परेशानी, जहाँ देखो वो कोई फिजिकली परेशान है, कोई मेंटली परेशान है, कोई अपना फाइनेंशियली परेशान है, तो लोगों को परेशानी बहुत थी। तो मेरे इंटेंशन ये था कि कोई भी मुझसे मिले तो दो मिनट के लिए वो सारी परेशानी को भूल जाए, इसका इंटेंशन लेते हुए मैंने जो ये नाम ऐसा रखा कि कोई भी मुझे फ़ोन करता है, कम से कम मेरे पास दिन भर में 500 फोन आ जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि मेले बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया, सिर्फ इतने से इंटेंशन के लिए लोग सारी सिर्फ खुशी है। जी जी, क्वालिटी और टेस्ट को लेकर चलता हूँ मैं बिल्कुल। और बजट का तो ऐसा है सर, मैं इतने कम रेट रख के रखा हूँ इंदौर में कि आप, इंदौर हमारे वैसे ही खाने के नाम पे एकदम फेमस है। तो जी कितने रुपए का मतलब एक थाली पड़ता है? मिनिमम जो है मैं 80 रुपए में प्लेन थाली देता हूँ, 100 रुपए में स्पेशल थाली देता हूँ, जीरा राइस, दाल फ्राई, बटर चपाती, सीजनेबल सब्जी और सलाद रहता है। कितने साल हो गए? जी मेरे बिजनेस को वैसे नॉर्मली 3 साल हो गए और यहाँ पे जो है अभी 4 से 5 महीने हुए। जी आगे और किस तरह का स्टाफ, कहाँ तक पढ़े हुए? क्वालिफिकेशन तो सर मेरा ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा है, है ना। और जो है इंटेंशनली मैंने पहले जॉब भी किया, लेकिन मेरा पर्पस जो था मेरा खाने को लेकर के काफ़ी, क्योंकि हम इंदौरी हैं और इंदौरी खाने के नाम पे बिल्कुल फेमस है। क्या कर रखा है? जी एजुकेशन में मेरा BCOM है और MBA है।